अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। कासिम अंकल की तबीयत कैसी? बेहतर है। डॉक्टर्स ने कहा है कि कुछ और दिन लग सकते हैं उनकी रिकवरी में। तुम थकी हुई लग रही हो। पिछले एक दो दिनों में ऐसा लगा जैसे वक्त थम सा गया हो। एनीवेज तुम बताओ, उस कंपनी के बारे में मजीद कुछ पता चला? मैं उस पर काम कर रहा हूँ, डोंट वरी, हो जाएगा। मैडम दिलशाद आने वाली हैं, तुम जाओ आराम करो। यू लुक रेस्टलेस। डॉक्टर आबेद, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और मैं घर जाना चाहता हूँ। तुमने मुझे यहाँ क्यों रोका हुआ है? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? तुम तो मेरे दोस्त हो, डॉक्टर बन के ट्रीट मत करो मुझे, प्लीज। ऑफ कोर्स आज तुम्हें डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा कासिम। तुम्हें अपना प्रॉपर ख्याल रखना होगा और स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना। भाभी आपने अब इन पे सख्ती करनी है। मैम मैं इनके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा देती हूँ, आप आकर सिग्नेचर कर दिएगा। जी जी, मैं अभी आती हूँ। प्लीज। मैंने बासिल को फोन कर दिया था, बस जैसे ही वो आता है फिर हम घर चलेंगे। मैं अभी आती हूँ। कासिम, तुम्हें पता है तुम बहुत खुशनसीब इंसान हो कि सोनिया भाभी जैसी खातून तुम्हारी ज़िंदगी में आई है। जब से तुम यहाँ एडमिट हो, भाभी ने तुम्हें एक सेकंड भी अकेले नहीं छोड़ा, और मैंने अक्सर उन्हें रो रो के तुम्हारी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगते देखा है। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, गलत तो मैं था। अच्छा, मैं आता हूं। जहीन आने वाला है, मैं साइन करवा देती हूँ आपके लिए। हेलो आंटी, कैसी हैं आप? तुम यहां कैसे? दिलशाद आंटी ने आपको बताया नहीं, मैं इनकी लाडली बहू हूं। बहुत इंसिस्ट करके मेरा रिश्ता मांगा था इन्होंने, है ना आंटी? बदकिस्मती से। आप कहाँ चली गई थी आंटी? एकदम से ही गायब हो गई। जाओ यहाँ से, मैं जरूरी बात कर रही हूँ किसी से। पुरानी जान पहचान है, इनसे ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? मैं तो जानती हूँ इसे, आप लोग नहीं जानते इसे? कौन है ये? अशफाक अहमद हुसैन की बेटी है ये, अमल अशफाक। आपने मुझे पहचान लिया, वरना मैं तो समझ रही थी कि कहीं आप मुझे पहचानने से इनकार ही ना करते। एनीवेज, ये कोर्ट का नोटिस है आप सबके लिए, मैंने रिसीव किया है, आराम से तसल्ली से पढ़ लीजिएगा। मुझे पहले पता होता
कि मैं अपनी आस्तीन में सांप को पाल रही हूँ, बहुत पहले ही इसका सर कुचल चुकी होती। सांप तो आप लोग हैं जिन्होंने मेरी फैमिली को डस लिया। क्या बिगाड़ा था मेरे पापा ने आप सबका? मुझे बहुत अफसोस है कि मैं तुम्हें पहचान नहीं सकी अमल। तुम हमें क्या कटहरे में लाओगी? इतनी हिम्मत है तुम में? याद नहीं है तुम्हारा बाप कैसे हार मान गया था और मौत को गले लगा लिया, खुद ही खुदकुशी कर ली उसने। तुम्हारा भी वही अशर होगा अमल। ना उस वक्त तुम लोगों के पास कोई सबूत था और ना आज तुम्हारे पास कोई सबूत है। क्या कर लोगी तुम? आ जाओगी तुम अपने बाप की तरह एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाओगी। सबूत? सबूत है मेरे पास मेरे पापा को इंसाफ दिलाने के लिए, और आपके शोहर को उनके किए की सजा दिलाने के लिए सबूत है मेरे पास। मेरे पापा बेशक अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, लेकिन उनकी बेटी उन्हें जीत कर दिखाएगी। और हशर की तो फिक्र ही ना करें, क्योंकि अब आप लोगों का हशर बहुत बुरा होने वाला है। कहाँ है वो सबूत जो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो तुम? कहाँ से लाई हो? कहाँ से आए? मैं बताता हूँ कहाँ से आए वो सबूत। बड़ा शौक है ना तुम्हें हमारे साथ मुकाबला करने का। हमारे ही ऑफिस में घुस कर हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही हो तुम। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। बता मुझे क्या रिश्ता तेरा इसके साथ? धोखेबाज, नमक हराम, हमारे ऑफिस में घुस कर इसके साथ मिलकर सारे कीमती पेपर्स चुराए तूने। ये तुम क्या कह रहे हो जहीन? रेहान हमारा वफादार मुलाजिम है, ये हमें धोखा नहीं दे सकता। वफादार? ये वफादार है? अरे ये एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अरसे से दोस्ती है दोनों की। इन दोनों ने प्लान किए मिलकर हमें बर्बाद करने का, और वो मैं होने नहीं दूंगा। अब बताओ कहाँ है वो सारे पेपर्स? देख रहे हो वो फाइल मुझे चाहिए अभी के अभी। चोर की बेटी आखिर चोर ही निकली। छोड़ना नहीं इन्हें जहीन, यहां से जिंदा ना जाने पाए। नहीं छोड़ूंगा, इन दोनों से तो मैं निपट लेता हूं। आप लोग जाएं यहां से। चलो